सर जब मैं कमरे में गया तब लाइट नहीं थी, मुझे महसूस हुआ कि जमीन पे कोई गिरा हुआ है, मैंने झुक के देखा तो माँ थी वहां पर, वो कांच का टुकड़ा मैंने निकाला तभी लाइट आ गई। ये जो हाथ पे चोट लगी है इसकी पट्टी बांधते हुए कहानी बनाई ना तुमने? What the hell do you mean? हमारे गेस्ट रूम की खिड़की का कांच टूट गया है, उससे चोट लगी है मुझे, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। पुलिस को गर्मी मत दिखाओ राहुल साहब। मेरे पति अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, आप जाइए बाकियों की स्टेटमेंट लीजिए। आप लोग कहां पर थे तभी? मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूं। That time, 1:20 p.m. ये क्या कह रहे हैं आप? आपने आपने बंद क्यों किया उन्हें चेक करना? इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। ए रुको, हटो। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए ना, वो सीपीआर क्या कहते हैं उसे, वो दीजिए ना। My mom will be fine. I'm sorry, हम ट्राई कर चुके हैं। थोड़ा और ट्राई कीजिए ना, मेरी माँ की धड़कनें वापस आ जाएंगी। प्लीज ऐसे ऐसे हार मत मानिए ना, प्लीज ट्राई करते रहिए। I'm really sorry. माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर गुस्सा किया, बुरा भला कहा माँ। I'm sorry, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। You know that I love you. माँ आपके बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। प्लीज गेट अप, हो गया अभी, प्लीज टॉक टू मी। साहब बॉडी को शिफ्ट कर दे। ए! बॉडी किसको बोला? माँ है वो मेरी। अगर आप लोग हार मानना चाहते हैं तो मानिए, मैं नहीं मानूंगा। मैं लेकर जाऊंगा अपनी माँ को हॉस्पिटल। मिस्टर रावल जरा कोऑपरेट कीजिए, दवे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये डॉक्टर सब कुछ ट्राई करेंगे, वो कोई इंजेक्शन आता होगा ना जिससे हार्ट बीट वापस चलने लग जाए, जहां भी मिले वो बताइए, मैं लेकर आऊंगा। बट सेव माय मदर, प्लीज सेव माय मदर। मिस्टर रावल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे इन्होंने क्या किया, आप इन्हें पुलिस स्टेशन क्यों लेकर जाएंगे? देखिए मैडम हमें हमारा काम मत सिखाइए, सारे सबूत और वॉचमैन की गवाही इनके खिलाफ है। बिना डरे बताओ तुमने क्या देखा? साहब घर की लाइट चली गई थी, और कुछ देर पहले जब लाइट आई तो मैं दर्शक के कमरे में गया, वहाँ कुछ देर पहले कुछ आवाज़ आई थी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो राजवी मालकिन खून से लथपथ फर्श पर गिरी हुई थी, और दर्शक के हाथ में कांच का टुकड़ा था जिसमें खून लगा हुआ था। देखो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम जो कुछ जानते हो सब बता दो। सब कुछ पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ देर पहले राजवी मालकिन और दर्शक के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, दर्शक मालकिन को बहुत चिल्ला रहे थे। समझे आप, और जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती ना इनको हमारी कस्टडी में रहना पड़ेगा। What nonsense! आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है? हाँ मैं गुस्सा था उनसे, लेकिन आप अगर अपनी माँ से गुस्सा होते हैं तो क्या उन्हें मारने की सोचेंगे? ए, ज्यादा ओवर स्मार्ट गिरी मत कर मेरे सामने, समझा तू? और ये पैसे का रूपा ना पुलिस को मत दिखाना, नहीं तो मारते हुए लेके जाऊंगा। डर नहीं लगता मुझे, ठीक है कुछ गलत नहीं किया तो डरूंगा नहीं मैं। एक सेकंड मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हो रही है। देखिए मेरा भाई ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी माँ से ही प्यार करता है, इन दोनों का जैसे रिश्ता आपने कहीं नहीं देखा होगा, आपको गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। हाँ बेटा माँ का खून कर दे ऐसा रिश्ता तो मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, नहीं तो हथकड़ी पहना के लेके जाना पड़ेगा मुझे, वो भी सबके सामने। जो करना ना कर लो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगी, इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ उन्हें हॉस्पिटल। भाई यार, और ये क्या चादर बिछाई हुई है, ये बॉडी नहीं है, माँ है मेरी। बस चलो आप कांस्टेबल कम पकड़ो उनको, हथकड़ी पहनो। बस नहीं जा सकते, मेरी माँ के पास जाने से नहीं रोक सकते मुझे, छोड़ो मुझे। मुसीबत जी क्या कर रहे हैं आप, अरे आप इनकी सिचुएशन को समझिए तो, छोड़िए ने। अरे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, लेके जाओ जिप पे डालो। तुम रुक जाओ, तुम इधर रुक जाओ। माँ का ख्याल रखना, उन्हें कुछ नहीं हुआ, ये सब पागल हो गए।
Just take care of her. जिस तरह से तूने मिलके जिंदा होने का इशारा दिया है, बस मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं मुसीबत जी को बेगुनाह साबित कर पाऊं और अपने परिवार को फिर से एक कर पाऊं। राजवीर जी कोमा में हैं, लेकिन जिंदा हैं। 17 साल के करियर में ही ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। पल्स जाने के बाद भी हार्ट बीट वापस आ जाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर से कब तक बाहर आ जाएंगे? उन्हें होश कब तक आएगा? देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डैड, आप आइए, बैठे। डैड मिल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने तो उनकी जिंदा होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी ना, लेकिन कानूना ने उनकी धड़कनें वापस दिला दी। देखना, वैसे ही कानूना ना मेरी मिल को बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, बस भरोसा रखिए। कुछ देर में हम उन्हें एमआरआई के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। सर, बाहर प्रेस वाले आए हैं, उस औरत के बारे में पूछ रहे जिसके बेटे ने उसके खून करने की कोशिश की। डॉक्टर सलोनी में चल के बात करते हैं। चलो मेरे साथ। द्वारकाधीश, मतलब ये खबर सब जगह फैलने लगी। सबको यही लग रहा है कि भाभी पर हमला दर्श ने किया। अगर भाभी होश में होती तो वो ये बता सकती थी कि दर्श ने कुछ भी नहीं किया। अब हम दर्श को बेकसूर कैसे साबित करेंगे? पता नहीं पुलिस स्टेशन में दर्श बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आधे घंटे से एक ही सवाल पूछ रहा हूं।
बता, अपनी मौत का खून क्यों करना चाहता था? मैंने कुछ नहीं किया है। आधे घंटे से मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने बस वो कांच का टुकड़ा उनके पेट से निकाला था। कोई भी बेटा अपनी माँ को इस हालत में देखेगा तो उन्हें बचाने के लिए यही करेगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए, मुझे उनके पास जाना है। मेरी ये सब कहानी बना के है ना, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सारे सबूत तेरे खिलाफ है और तेरे पे कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, मर्डर चार्ज है। मर्डर चार्ज? मर्डर का चार्ज कैसे? जब कोई मर्डर हुआ ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। हाँ, वो कोमा में है लेकिन जिंदा है। किसी पर मर्डर का इल्जाम लगाने से पहले अपने केस के बारे में इंफॉर्मेशन तो निकाल लीजिए सर। सच, माँ जिंदा है। मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था कि माँ जिंदा है, लेकिन सब लोग और कदीश, थैंक गॉड। लेकिन ये कोमा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो कोमा से बाहर आ जाएंगी और वो भी बहुत जल्दी। ये सब खुशी का नाटक करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब तुम्हारी माँ को होश आएगा ना, तो वो खुद अपने आप बता देगी कि उन पे हमला तुमने कैसे किया था। एक्सक्यूज मी, फैसला सुनाने से पहले क्या आपने मेरे पति को सफाई देने का मौका दिया? और अगर दिया तो क्या आपने उनकी सफाई पर भरोसा करने की कोशिश की? सर, हम तो आप पर उम्मीद लगाए बैठे। अगर आप भी बिना सबूत हम पर इल्जाम लगाएंगे तो आम जनता किससे मदद मांगेगी? लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब तक आपको सबूत नहीं मिल जाता ना, आप मेरे पति को मुजरिम करार नहीं कर सकते। आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, फैसला सुनाना नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको बेगुनाह साबित करके रहूंगी। हाँ, क्योंकि इस बार जो हम साथ आए हैं ना, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। नंदिनी, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बस मेरी एक हेल्प कीजिएगा। हिम्मत मत हारिएगा। हाँ, अभी तो आप बड़ा कानून सिखा रही थी मुझे, तो इतना तो आपको पता ही होगा ना कि पुलिस स्टेशन में ये सब अलाउड नहीं है। ये सब है ना घर पे करने का। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।